हेलो गाइस, हमने इंडियन बाइट ऑफ 3D गेम में ले लिया है GTA 5 का मेगा रैम चैलेंज और हम इसको कंप्लीट भी करके दिखाने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम अपनी गोस्ट राइडर बाइक को ले लिया है और गाइस इससे तो हम इस चैलेंज को पक्का पूरा कर लेंगे। गाइस, अगर आप भी अपने इंडियन बाइट ऑफ 3D गेम में मेगा रैम चैलेंज को लेना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओ भाई साहब, कितनी खतरनाक टक्कर लगी भाई। आपकी बार तो हम इस चैलेंज को पूरा कर लेते लेकिन नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, आपकी बार हम इस थार से इस चैलेंज को कंप्लीट करने वाले हैं, इस मेगा रैम चैलेंज को कंप्लीट करने वाले हैं। अपनी थार बिल्कुल फॉर्म में है, बिल्कुल एकदम स्पीड के साथ नीचे जा रही है, लेकिन ये क्या हुआ भाई, ये तो इस फैन से टकरा के नीचे गिर गई, क्योंकि यार ये मेगा रैम चैलेंज जो है बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही एलिजिबल है। तो गाइस, इसके लिए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो गाइस, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि गाइस आप इसको अपने इंडियन बाइक M3D गेम में कैसे ले सकते हैं। और गाइस, अब की बार हमने लंबरगिनी को स्पॉन करा लिया, इसका चीट कोड है 700। तो गाइस, हम अब की बार लंबरगिनी से मेगा रैम चैलेंज को कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन यार ये तो शुरुआती चक्रों में ही शुरू के फैन से टकरा कर नीचे गिर गई भाई, इस पे तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन अभी हम हार नहीं मानेंगे। गाइस, अब की बार हम कुछ तगड़ा करने वाले हैं, तो कुछ तगड़ा करने के लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो गाइस, तगड़ा करने के लिए मैंने बुला लिया है फॉर्चूनर, 1000 के चीट कोड से फॉर्चूनर को मैंने बुला लिया है, और अब की बार लगता है ये हमारी फॉर्चूनर है, इसमें अगर हम चैलेंज को पूरा कंप्लीट कर देगी भाई साहब। ये भाई देखो यार, कितनी स्पीड पकड़ लेती है भाई शुरू से, और भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ गई भाई, ये तो सीधा हवा में उड़ के नीचे गिर गई भाई, इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर भाई। कोई बात नहीं, अब हम नेक्स्ट चीट कोड लेकर आ चुके हैं और अब की बार कुछ धमाकेदार स्पॉन कराने वाले हैं। तो गाइस, इसका चीट कोड हम देख लेते हैं। इसका चीट कोड देखने के लिए आपको इंडियन बाइक M3D गेम के प्लगइन वाले ऐप को इंस्टॉल करना होगा, इसमें आप सारे चीट कोड देख सकते हो। तो गाइस देखो यार, यहाँ पे मैंने बहुत ही सारे चीट कोड देख लिए है, अब मैं जल्दी से स्पॉन कराने वाला हूँ एक बहुत ही तगड़ी कार को या बहुत ही तगड़े ट्रक वगैरह को। तो गाइस, मैंने यहाँ पर 677 से करा लिया है JCB को स्पॉन, और देखते हैं कि गाइस इंडियन बाइक M3D गेम के इस मेगा रैम चैलेंज को JCB कंप्लीट कर पाती है कि नहीं। देखो यार, JCB अपनी फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ चुकी है, कुछ ज्यादा ही स्पीड पकड़ ली है अपनी JCB में, हमने को इसको ब्रेक लगाने पड़ेंगे। तो भाई देखो यार, इस वाले चैलेंज को तो कंप्लीट कर लिया भाई, इस वाले चैलेंज को तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ गई भाई। अरे 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 भाई, कहाँ जा रही है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अरे भाई यार, देखो यार, बस्ती बस्ती नीचे गिरी गई यार, ये पता नहीं यार इस चैलेंज को हम कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन अब की बार हम फिर से कुछ धमाकेदार बुलाने वाले हैं, JCB से अलग हम कुछ न्यू बुलाने वाले हैं, तो उसका चीट कोड भी हम आपको बताने वाले हैं। तो गाइस, JCB का चीट कोड था 677, अब हम कुछ न्यू मंगाने वाले हैं। तो गाइस, उसके लिए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो गाइस जल्दी आकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम जल्दी से बुलाने वाले हैं, लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी अगर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस, अब की बार हम 606 से बुलाने वाले हैं फायर ट्रक को, लेकिन ये डॉग कहाँ से आ रहा है भाई, कोई बात नहीं यार, हमने 606 से बुला लिया है फायर ट्रक को। अरे भाई, ये तो डॉग के ऊपर स्पॉन हो गया भाई, मेरे को लगता है ये तो चल भी नहीं पाएगा यार। देखो यार, मैंने यहाँ पर फुल रेस दे रखी है, लेकिन ये चल ही नहीं पा, ओ भाई जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है भाई, डॉग पता नहीं कहाँ गया, लेकिन ये धीरे धीरे ट्रक आगे की ओर जा रहा है। तो कोई बात नहीं, देखो यार, थोड़ी देर में फुल स्पीड पकड़ गया भाई, कितनी तेज चला भाई अपना इंडिया भाई साहब। यार ये फायर इंजन का ट्रक तो कुछ ज्यादा खतरनाक निकला। अरे भाई भाई, लटके भाई, गिर गया यार अपना फायर इंजन, गिर गया नीचे भाई यार। इसके लिए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनते हैं, कुछ ज्यादा स्पीड पकड़ ली थी भाई अपने फायर इंजन ने। तो कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पर कुछ और स्पॉन कराने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो गाइस जल्दी अगर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस यार, ये बार बार थार पता नहीं कहाँ से आ जाती है, गाइस तो इसको थोड़ा आगे की ओर खड़े कर देते हैं, यहाँ पर खड़ा कर देते हैं, मेरे को लगता है ये ढाल पर चली जाएगी भाई, ये तो गई नहीं, मेरे को तो लगता था आज ये ढाल पर अपने आप नीचे की ओर चली जाएगी। कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पर स्पॉन करा लेते हैं अपना न्यू बाइक व्हीकल। तो गाइस यार, न्यू व्हीकल के लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि हम यहाँ पर स्पॉन कराने वाले हैं बस। तो गाइस, 5599 से आप अपने इंडियन बाइक M3D गेम में बस को बुला सकते हैं, और मैंने यहाँ पर बुला भी लिया है यार। तो गाइस, जिसके साथ हम इस मेगा रैम चैलेंज को पूरा करने वाले हैं, ये कोई इंडियन बाइक M3D गेम का मेगा रैम चैलेंज नहीं है, ये GTA 5 का मेगा रैम चैलेंज है। तो गाइस, इसके लिए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है। ओ गाइस देखो भाई 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 भाई, बस बच गई भाई, बाल बाल अपनी बस जो है बच गई, लेकिन बैक नहीं हो रही है, वो बैक भी हो गई भाई, बैक भी हो गई अपनी इंडियन बाइक M3D गेम की बस।
मेरे को लगता है ये चैलेंज को इसको कंप्लीट कर लेगी यार। ओ भाई यार कुछ ज्यादा ही बड़ी, हमने कुछ ज्यादा ही बड़ा व्हीकल ले लिया है, लेकिन यार देखो इसने कंप्लीट कर लिया भाई, इस वाले रैम को इसने कंप्लीट कर लिया भाई। मेरे को तो यकीन भी नहीं होता भाई, इस फैन से पता नहीं ये कैसे बच गई, लेकिन एक और फैन आ चुका है और मेरे को लगता है इससे ये नहीं बच पाएगी। हमने बैक तो कर लिया है लेकिन यार कुछ उम्मीद मेरे को लग नहीं रही है। तो देखो गाइस फिर से फैन के बीच में अटक चुकी है बस और नीचे गिर भी चुकी है यार। तो यार इसके लिए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है, बहुत ही कमाल क्या है, इस बस ने एक फैन को तो पार कर ही लिया था इतनी बड़ी होने के बावजूद। तो गाइस अब हम कुछ नया देखने वाले हैं, अब हम अपने इस मेगाराम चैलेंज को कंप्लीट करने के बुलाने वाले हैं आर्मी टैंक को। तो गाइस का चीट कोड है 4040, तो गाइस मैंने 4040 से बुला लिया है आर्मी टैंक को, अब मैं करने वाला हूँ चैलेंज को जल्दी से जल्दी कंप्लीट। तो गाइस यार देखो अपने टैंक ने फुल स्पीड पकड़ लिया और आने वाला है फैन, पता नहीं ये टैंक इस फैन को पार कर पाए। अब भाई यार ये तो फिर से बीच में अटक गया, कोई बात नहीं यार मेरे को टैंक पे पूरा भरोसा है, तो गाइस एक बार फिर से टैंक को स्पॉन करके देखते हैं यार। मेरे को लगता है इस बार अपना जो टैंक है वो इसको इस मेगाराम चैलेंज को पूरा कर पाएगा। तो गाइस हमने फिर से आर्मी टैंक को बुला लिया है, लेकिन इसकी बार कुछ खतरनाक स्पीड के साथ इसने एंट्री कर दिया है गाइस। तो गाइस इसके लिए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है, और जो जो इंडियन आर्मी को दिल से लाइक करता है वो जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में लिख दे इंडियन आर्मी। तो गाइस मैं समझ जाऊंगा आप इंडियन आर्मी को दिल से लाइक करते हो, तो गाइस जल्दी जल्दी आकर कमेंट कर दो प्लीज यार। तो गाइस यार इस टैंक से तो कुछ भी नहीं हो पाया और अब हम करने वाले हैं अपना न्यू व्हीकल स्पॉन। तो गाइस हमने न्यू व्हीकल यहाँ पर देख लिया है, हम बुलाने वाले हैं ई रिक्शा यानी कि टेम्पो को। तो गाइस 8370 से आ जाता है अपना मिनी टेम्पो जिसको ई रिक्शा बोलते हैं। तो गाइस खुद ओ भाई साहब कितनी स्पीड से जा रहा है भाई, मेरे को तो लगता है तो हवा में उड़ जाएगा भाई, ये तो हवा में उड़ के पहुंच जाए। ओ भाई इसने इसको पार कर लिया भाई, एक फैन को तो पार कर लिया, लेकिन भाई यार ये अपनी किस्मत से बेकार है। तो गाइस ये तो नीचे ही गिर गया, कोई बात नहीं, इसके लिए भी एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है। गाइस चलिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम फिर जब लाने वाले हैं अपने इंडियन बाइक ड्राइव वीडियो गेम में KGF बाइक को, मैंने स्पॉन करा लिया है और मेरे को लगता है गाइस ये तो इस चैलेंज को कंप्लीट कर ही लेगी भाई, इसके लिए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो गाइस जो भी गाइस इंडियन बाइक ड्राइव वीडियो गेम की इस KGF बाइक को, यस भाई की बाइक को लाइक करता है वो जल्दी जल्दी आकर कमेंट मेरे को बता दो कौन कौन इसको बाइक को लाइक करता है और किस चीज को लगता है ये कंप्लीट कर लेगी इस मेगाराम चैलेंज को। तो मेरे को तो लगता है भाई ये पक्का कंप्लीट करने वाली है इस मेगाराम चैलेंज को भाई, थर्ड फैन भी इसने पार कर लिया है भाई, थर्ड फैन भी इसने कंप्लीट कर लिया। और गाइस देखो यार अपने इंटर बाइक ड्राइव थ्रीडी गेम के इस GTA 5 के मेगाराम चैलेंज को कर लिया है कंप्लीट अपनी इस बाइक ने। तो गाइस इस बाइक के लिए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो गाइस जल्दी जल्दी अगर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस यार मैंने इस मेगाराम चैलेंज को कंप्लीट करके आपको दिखा दिया है, तो गाइस मेरे लिए भी एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है और सब्सक्राइब करने के बाद एक कमेंट भी बनता है इस KGF बाइक के लिए। तो गाइस जल्दी जल्दी अगर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस अब हम आपको दिखाने वाले हैं अपनी मॉन्स्टर थार की पावर, अब हम बुलाने वाले हैं अपनी मॉन्स्टर थार को 09090 से इसका चीट कोड है। तो गाइस मैंने यहाँ पर बुला दिया है और अब इससे मेगाराम चैलेंज को कंप्लीट करके दिखाने वाला हूँ। वैसे तो मैंने इस इंडियन बाइक ड्राइव थ्रीडी गेम के इस रैम चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मैं आपको फिर से कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इससे कर नहीं पाऊंगा भाई, कितनी ज्यादा स्पीड थी भाई इसमें, मेरे को तो समझ में नहीं आया भाई, पता नहीं हो कर रहा था भाई, ज्यादा ही स्पीड थी भाई कुछ, लेकिन बहुत ही अच्छा इसने परफॉर्म किया। तो भाई इसके लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनते जाए, जल्दी वीडियो को लाइक करके।